वजीरगंज विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन केक काटकर मनाया। गया के मानपुर प्रखंड में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की 76वीं जन्म जयंती केक काटकर मनाई गई। उक्त अवसर पर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति, उन्होंने देश की सेवा में अपनी सास स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पति स्वर्गीय राजीव गांधी को खोया है। आज उनका बलिदान देश के लिए अनुकरणीय है। इस मौके पर मानपुर प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, उदय सिंह, राम पुकार सिंह, सुहेल अहमद, राजकुमार प्रसाद, संजय पांडे, राजेश राम आदि उपस्थित रहे। माननीय सोनिया गांधी को जन्मदिन मना रहे हैं, 76वां जन्मदिन, और हर साल हम लोग मनाते हैं। हम लोग के देश के नेता हैं और देश में देश की इसमें इन्होंने बहुत सारी कुर्बानी दी। अपने जवानी में अपने पति को खोया, उससे पहले अपनी सास को खोया, फिर भी देश की एकता और अखंडता के लिए देश में लड़ रहे हैं। किस तरह से आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं सोनिया गांधी जी? यहाँ मना रहे हैं, खुशी में मना रहे हैं। कितने लोग उपस्थित हैं? 100-150 जनता थी, अभी आना जाना लगा हुआ है लोगों। परिचय दे दीजिए। सुहेल अहमद, जिला सचिव कांग्रेस का। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका 76वां जन्मदिन मना रहे हैं और साथ संकल्प ले रहे हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस जो पुरानी ऐतिहासिक पार्टी है और मैडम सोनिया गांधी जी ने देश में कितना विपत्ति हो रहा हो त्याग की मूर्ति में जानी जाती हैं। इन्हें अपने पति को खोया, इन्हें अपने सास को खोया, उसके बाद भी लगातार कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रही हैं। उन्हीं का प्रयास है कि आज हिमाचल प्रदेश में हमारी जीत हुई है। उसके लिए हम तमाम कांग्रेसजनों को, मानपुर वासियों को, गया वासियों को, बजरीगंज वासियों को बधाई देता हूँ। साथ साथ हम कामना करते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, कि देश की सद्भावना बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए यात्रा चल रही है, मजबूती से चल रही है और देश के लोग देख रहे हैं, जाग रहे हैं कि आज हमारा देश विपरीत परिस्थिति में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जन्मदिन के शुरू पर हम लोग एक कटिबद्ध तरीके से वचन लेते हैं कि हम लोग बाहर देश की एकता और अखंडता को हमेशा बरकरार रखें, बचा कर रखें। जन्मदिन पार्टी में कितने लोग उपस्थित हैं? सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के उपस्थित हैं, यहाँ हम लोग बना रहे हैं। पार्टी में इसका जो है महाराज गठबंधन के देखिए, कोरनी में महागठबंधन की हार नहीं हुई है। अभी भी आप देखिए, लोकल चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होता है, बहुत लोकल चुनाव होता है, वहाँ कोई भी प्रत्याशी अगर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो वहाँ आजकल देख रखिए ओएसी भी आपके पार्टी आगे वीआईपी पार्टी दस वोट लेके काट गई, तो एक फैक्टर काम करता है जिसकी वजह से हार चुनाव बहुत कम मार्जिन से हार हुआ है, लेकिन फैक्टर्स काम कर जाते हैं, उस फैक्टर को नज़रदार भी किया जा सकता है। लेकिन पार्टी महागठबंधन मजबूत है, आइए आपको 2024 में दिखाई देगा कि हमारे महागठबंधन की क्या ताकत है। परिचय दीजिए। डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पूर्व प्रत्याशी वजीरगंज विधानसभा से। कमेटी के द्वारा उनके तत्वावधान में आज हम अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का 76वां जन्मदिन हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में कहना बड़ी मुंह और छोटी बात होगी, क्योंकि एक ऐसी महिला हैं जो पूरे देश में आज जितनी बड़ी कुर्बानी इन्होंने दिया है, अगर ये चाहती तो पूर्व में ही प्रधानमंत्री देश की बन जाती, लेकिन उस समय भी इन्होंने अपना गद्दी को छोड़ दिया था और कहा था कि हमें ऐसे अर्थशास्त्री को बनाना है जो देश को मजबूत की ओर ले चले। आज देश की स्थिति को देख रहे हैं, देश को किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, वैसे आज हमारे ऐसे ऐसी महिला को इस देश में ज़रूरत है। इसलिए आज कांग्रेस ने हम लोग संकल्प लिया है कि सोनिया जी जो राह बताई है अपने पुत्र राहुल गांधी जी को, आज जो पद यात्रा कर रहे हैं उसी का देन है। आज हिमाचल प्रदेश में आज हमारी सरकार बन गई है। आज पूरे गुजरात में आप देखिए परसेंटेज, वोट का परसेंटेज देखिए, वहाँ 21% वोट आप पार्टी काट लिया, जिसके चलते वहाँ हम थोड़ा कमजोर हो गए हैं। बाकी हिंदुस्तान में अब मोदी जी का जाना तय हो गया है। हम लोग सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आज संकल्प ले लिए हैं, आज से हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही, मानपुर प्रखंड के कांग्रेस पार्टी के सिपाही, वजीरगंज प्रखंड के कांग्रेस पार्टी के सिपाही, जितने भी हम लोग हैं अपने विधानसभा में
सोनिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिए हैं आज इनके जन्मदिन पर। मैं किस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दिया जा रहा है। भारत जोड़ो का नारा जो हमारे राहुल गांधी जी ने लिया है उसको तोड़ने का साजिश भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का नारा लगा कर करके आज देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, मानपुर।